अब बस खत्म थी नहीं मैंने ज्यादा उतने, क्योंकि वो थोड़ा उतने पहाड़ियों में थोड़ी ठंडा की थी, ये इतनी ठंडा कहने जो जरसा मरसा पाऊँ इतना है जो सही माहौल है। ये मैंने कोई था चावल मावले में था कोई फ्रूट मरूट खींचे थे थाम शाम खा सन दे कोई था ते ये पानी था सन है। अस्सलाम वालेकुम मार का क्या हाल है, ठीक हो तबीयत से? ठीक है, फिट फाट हो, तकड़े हो, पानी पे सन पैर से ना पिछो। आज दा मज़ेदार व्लॉग करें दे पास स्टार्ट ते जुलदे पाए गए कदन को यूनिवर्सिटी आज इतवार दा दे है ते घूम के फिर जुलदे करें दे है किया हाल सारा करें दे है। पांग देखो ड्रेसिंग रेडी थिया खड़े फुल पांग पूरी चासी के हां मेरा वेज खड़े थिया ठीक है जुलदे पाए बाय गोदा पते जे एडी दे दा बड़ा स्टार्ट कर रहा दाडी बाकी हूँ मैं व्लॉग बना सीखता भी है। सोच इन चिलान थी कड़ाई था सरीना दे बिल्कुल सामने तो खड़े चिलान भरे ने केरे लगे जेड़ा ही पिया खड़ाई बोल ये सही बैठ चाली दू सचिया सी चलो ठीक है ये बात तो ना हुई ना भाई हमारा इधर से हाथ ला के हम गलतों के आप मैं दिखा मैं दे दिखा ऐसे मैसेज नजर थी कशा गाने पे शक्ला नजर जा पर बस ठीक है सौ दसाइल मार ठीक है दिखा उनको चलान भरी खाने को था क्यों हूँ जुल दे यूनिवर्सिटी आए खाने इतना तो कशा ही कहने क्योंकि आज इतवार है छुट्टी है सारा निजाम बंद तंग गर्ल्स हॉस्टल मरे से नहीं सही देखा ही नहीं अलाउ था मैं जैसे यूनिवर्सिटी हो गर्ल्स अलग हॉस्टल में मर्द जवान अलग आ गए देखो रिजवान भाई को लो ये पुराने यादान मेरी पहली टिकटॉक पर वीडियो थी वायरल थी यही थी यही जा रहे थे सोच लो जी तो मैं वायरल थी हमें यहाँ जाई वे ना ना इतना ही मैं वीडियो जी मैं बड़े देख रहा हूँ फोन कर में ना खाना मैं कल कितना मोबाइल बिल्कुल ही हो भाई चाबी ठीक है सीधा ये सोच गए इतना उन्हें बैठे हैं तो खादे पीते ये सब मैं बड़ा नहीं मिस गया हूँ मैं को याद आता पर खादे से आलू के पराठे डू तो है कई चिकन पराठा ठीक है नाल होंगे है कैचअप तो चटनी है वाला डू हन बोतल पेप्सी जा ठीक है तो वही खादे से फिर आके वाल बी क्या खाते बिरयानी या वाल क्या है भैया मिल्क शेक इतना बिरयानी उतना क्या है पर चावल पता नहीं गई भी चावल नहीं इतना पुला पुलाओ पल असा के कहना हूँ इतना दोस्त इंतजार करें दे बैठे गोंदल साहब थी ते ये कह दे दम यूनिवर्सिटी दा तो मैं पहले निजाम दिखाई वदा जो इतना बंदा ते फुल एंजॉयमेंट बांधे फिलहाल ते छुट्टिया इतना कशा कह नहीं तेरे लिए इतना छुट्टिया कहना मेरे पिछले व्लॉग तो खोल ते देखो कह दे यूनिवर्सिटी इतना सारे माहौल ही माहौल पर छोरें दा इतो समझो उन्हें दा माहौल यार आने वाले तो मुखातिब कर मैं ना समझे करो गाल को ना निकला करो रात को फिर कहते हो अंधेरा है तेरे मुंह पे तेरा मेरे पर मुंह पर मेरा संगत सुना लाए बते हैं रिजवान मेरा पिछो है गोपांग साहब तो गोंदल साहब मेरा सर नाल है मैं देख तो जड़ा बैठे था वही मैं बंदा दिखे ना ए बिरा खा को सारे बैठे थे उस्मान भाई कहते हम यूनिवर्सिटी का पावा है एक पावा है एक मोड़ परो भी नहीं बैठा है एक बैठे ही ने पिछो रिजवान यूनिवर्सिटी का चार पावे यूनिवर्सिटी का है कई जन पावा कह नहीं है कि पावा अगर गायब होवे ना यूनिवर्सिटी ना चल सी तू गलू मैं कि त्रै पावे अपने नाल रखा ते ते सारे एक गोपांग गोंदल को संभाली बैठे मैं उस्मान भाई को संभाली बैठा तो रिजवान पूरे जी सर पिछले यार को संभाली ए यूनिवर्सिटी का अहाता है सारा
सोच के नो ए रमली जुलदे पास उस्मान भाई माहौल दिखेंदा वे नाल दे नाल शहर का सीन देखो बंदे इतना देखो धांधे पैन असाई उत खड़े पहाड़ चस चावन जो थोड़ा माहौल कुत्ता थोड़ा उत्ते थे हब्बस खत्म थी वे ज्यादा उत्त क्योंकि थोड़ा उत्ते पहाड़ी वे थोड़ी ठंडा कि थी है इतनी ठंडा कहने जो जरसा मरसा पाऊँ इतना है जो सही माहौल है ये मैं कोई इतना चावल मावल मैं कुछ फ्रूट मरूट खीते थम्ब शम्ब खा सन देखो इतना पानी थां सन है बिया गोंदल साहब तबिया से ठीक है फिट हुए तकड़े हुए एक उधर गोंदल साहब ए रिजवान बिरा दा क्लास फैलो ये तो दोस्त है इन्हें तो यूनिवर्सिटी आया वा तो एबो ही चंगे बंदे हैं मम्मी डैडी ये देखो इंज यारी है इन्हें तो गुपांग साहब सिगरेट बखाई खड़े पता लग गए कौन केड़ा नहीं नहीं होना चाहिए मैं खुद इसी तरह बन रहा हूँ मैं खुद इस उस्मान भाई की तरह बनना चाह रहा हूँ समझे बात को शाम को मैंने देखा कक्षे में इसकी तरह लग रहा है नहीं नहीं मैं कक्षा का नहीं पाता कैंदी अच्छा वो जो पैंट शर्ट मैंने डाली हुई थी वो उसमें बंदा सही नहीं लगता मतलब कि सलवार बड़ी होनी चाहिए मैं आ गया दादा वाली फोटो में ना अच्छा वो जो पैंट शर्ट मैंने डाली हुई थी वो उसमें बंदा सही नहीं लगता मतलब ये बंदा आया खड़े हुए मैं आ गया बता ए वो बड़े ना मैं कि मैं ब्लॉग तो बड़ा या तो बड़ा हां अच्छा तूने इकट्ठी थी करते उन्होंने कहा बाद उस्ताद हमारे जो ये थे तो फिर तू गया नहीं ये 15 दिन में था सब तो मैं निकालता था रोजाना हफ्ते में 10 से शुरू होते रोजाना एक कल 3 मंथ निकाल कर या 2 मंथ 2.5 मंथ वो सब तो इतने ज्यादा निकालने लगे एक रोजाना बढ़ाता था जब इनकी शकीर थी मैं कच्चे अंडे खिलवाए उसके बाद वीकनेस से स्टार्ट हो गई थी वो अंडे खा तो ब्रेक कम हो जाता था जैसे तो ये तू इसे रोज आके ना शेर दिल है इससे पर ये है मैं कुश्ती हराने खड़ा दूंगा ना ना मैं ये नहीं हड्डी अप्रोच से बेस्ट राणा राणा यही चैलेंज लगा लो मेरे साथ अच्छा अब 3 साल जो सीखा हुआ कुश्ती कुश्ती से मुराद के नीचे डालना है यार तू क्या नहीं कर रहा है यार मेरी बात सुनाई तो मैं बोलता हूँ मतलब पीठ लगवानी है कान तलने लगाऊंगी तो ये रान चाहे जितना बड़ा राणा मंडी रह गया मंडेसी के ओ लसियां ना पलिया है छड़े ना नहीं थे अच्छा हां मैंने समझे कि राणा उस मुल्तान दा सी मम्मी डैडी सी यार वैसे देखने में मम्मी मम्मी डैडी और वैसे पूरा ही है आखिरी भी था आखिरी आखिरी हमारे पास ही रहा है पिछले पूरे 2 साल ही पहला साल मैंने तुम्हारी क्लास की लड़की से इसके बारे अच्छा जब इधर आया मैं तुम पढ़े इसके ढीले गिरे हुए हमारे हमारे हॉस्टल के साथ एक लड़की रहती थी
जाना पुराना कपूरती थी, इसकी क्लास का लोग हमारे और उसका मैंने दूसरा नाम जनान रखा, जनान खाते थे ना, जनान किसी को पता ना चला फायदा चल रही है पूछ लेना मेरी शाखा फायदा से कहना की सुदेश को कभी मेरे बारे में बात की वो कहेगी हाँ सोच के जिंदगी दी खैर हो सिर्फ फैमिली अलाउ है, उनके अलावा कशा नहीं मान सकते फैमिली है ठीक है तो मान सकते बता भाई इसका है सलाम बाद है काफी तरह पॉइंट है तो फैमिली नहीं मान रहा हां ये नहीं मान जाने मैं बस देख एक चीज इन ना चीज ये देख रहे आए वजह से मैं के चलो इधर ही था जो आए तो यार है उन वजह से राइट लेक व्यू आंदे मैं के डिटी वाले चलो